गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट, दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल T3 पर। तो अब मैं निकल रहा हूं लद्दाख के लिए और मेरी फ़्लाइट है 11 बजे की। तो तकरीबन ऑल सेट, सब रेडी है, चेक इन करके अंदर आ चुका हूं। ये मिल गया मुझे बोर्डिंग पास और मैं जा रहा हूं ले लद्दाख के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस, तो मिलते हैं। एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऊपर मैं फूड कोर्ट में आया हूँ। ये देखो सुबह सुबह लोग खाना शुरू कर देते हैं, जो भी घंटे खाते हैं एयरपोर्ट पर लोग। अब मैं अपने गेट की तरफ मूव कर रहा हूँ, चलता हूँ मैं अपने गेट की तरफ। मेरा गेट भैया, हमें भी एक कॉफी देना, बिना कॉफी के तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती। ये देखो पेट्रोल भरा जा रहा है फ्लाइट में, ये फ्लाइट में पेट्रोल भर रहे हैं। देखो ये मेरा गेट नंबर है 29 सीट है, तो मेरा पीछे से नंबर आ रहा है गाइस। सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्साइटेड हूं मैं काफी। ओके गाइस, ये इंडिगो का मिनी स्नैक पैक, देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये है कुकीज, काफी क्रिस्पी होती हैं, और पोमीग्रेनेट जूस, ये भी ठीक है। और देखता हूँ इसमें है क्या, ये कुछ तो है, बिस्किट, आई थिंक बिस्किट है इसके अंदर, काफी टेस्टी है। ओ आलमंड, रोस्टेड आलमंड। और ये देखो, यह है कश्मीर का नज़ारा। लद्दाख पहुंचने से पहले जरा इस नज़ारे को देखिए, इस नज़ारे से गुजरना पड़ता है। और अजीब सी स्मेल आई है यहाँ पर, जैसे ही फ्लाइट लैंड करी है और फ्लाइट के अंदर से ये आती है, आई डोंट नो क्या है, बहुत ही गंदी स्मेल है, इतनी हीट सी लग रही है नोस में। होता है भाई, लद्दाख जाना आसान नहीं है। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए अपने होटल, काफी शानदार है, और इस तरह से हमारा कुछ स्वागत किया है। ये देखो गमछा वमछा डालकर हमारा स्वागत करा है, काफी ट्रेडिशनल कल्चर है यहाँ का। और ये कावा, गर्मा गर्म कावा, जो एकदम दिमाग को फुर्ती देता है, बहुत ही टेस्टी है। काफी टेस्टी है। ओके वीडू, तब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ और देखते हैं रूम का नजारा कैसा है। ये है मेरा रूम, काफी अच्छा रूम है, कॉफी चाय बनाने के लिए इटली है रूम में। रूम काफी क्लीन है, साफ सुथरा रूम दिया है। ओह माय गॉड, काफी अच्छा, कोई फैन कोई एसी नहीं होता, बिकॉज वेदर ही इतना प्यारा होता है। टीवी है, ये लग रहा है अच्छा है, गुड वाइज, काफी अच्छी पेंटिंग है, ये देख सकते हैं। और रूम व्यू तो बहुत ही शानदार है, माय गॉड ये अच्छा है गाइस। साल में मैं एक बार लद्दाख ज़रूर आता हूँ, ज़रूर, बिकॉज यहाँ का नज़ारा, आप पूरी दुनिया घूम लो, गारंटी लेता हूँ मैं, अगर लद्दाख से खूबसूरत जगह कहीं हो तो। यहाँ पर हर तरह के मौसम, क्या चेंज होता है यहाँ पर वेदर, और यहाँ की नाइट, रात को सितारों भरी नाइट होती है, जो फ़ोन के कैमरे में तो आई थिंक इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। मैं ज़रूर कहता हूँ कि लाइफ में एक बार लद्दाख ज़रूर आना। यहाँ का खाना देखकर तो मुझे और भूख लगने लगती है। सूप मैंने ऑर्डर किया और ये काफी अच्छा होता है, और ये है चिकन नूडल, और इसके साथ ऑर्डर करी मैंने मैगी। देखो थोड़े बहुत से कुछ नहीं होने वाला, और बहुत ही तेज भूख लगी है, और इसके बाद मैं सोता हूँ गाइस। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।